वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे आपका कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो। ध्यान से देखिए, हमें कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी और हमें उसकी मैट्रिक्स बनानी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन कैसी गिवन होगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी तो हमें जो उसकी मैट्रिक्स बनानी है वो कौन से बेसिस में बनानी है, हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सिर्फ हमारे पास दो टाइप के बेसिस हमारे पास है। अगर मैट्रिक्स आपको निकालनी हो, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, तो अभी हम सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बेसिस, और सेकेंड पढ़ेंगे हमें अगर हमें मैट्रिक्स निकालनी हो विद रिस्पेक्ट टू सम ऑर्डर्ड बेसिस। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ड्रॉप करें। ध्यान से देखिए, हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं। हमारी जो मैट्रिक्स है, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कौन सी गिवन है? सबसे पहले जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है वो गिवन है आर टू से आर थ्री। अब ध्यान से देखिए, आर टू से आर थ्री पर गिवन है तो इट इज अंडरस्टूड जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3x2 की। ये हमेशा ध्यान रखना है, 3x2 की मैट्रिक्स बनेगी। कैसे बनेगी? स्टैंडर्ड बेसिस आर टू का क्या होता है? आर टू का स्टैंडर्ड बेसिस होता है हमारे पास दैट इज बी 1 0 और 0 1, जो हमारी आइडेंटिटी होती है। दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर टू, इसको आप बी 1 नाम दे दो। आर थ्री का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? इसको आप बी 2 नाम दे दो। वो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा आर थ्री का? 1 0 0, आइडेंटिटी बना लो ना, 0 1 0 और लास्ट वाली 0 0, ये आपका आर थ्री का स्टैंडर्ड बेसिस होगा। अब देखिए ध्यान से, आपको बी 1 से बी 2 बेसिस के अंदर अपने ट्रांसफॉर्मेशन बनाने हैं, मैट्रिक्स बनाने हैं, टी बी 1 और बी 2 आपको ये निकालना है। क्या आपका आंसर आएगा? मुझे ये पता है कि जो मेरी मैट्रिक्स है वो आएगी ऑफ ऑर्डर 3x2 की। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बेसिस एलिमेंट देखिए, बेसिस एलिमेंट फर्स्ट है हमारे पास टी 1 0 1 0, एक्स 1 एक्स 2 है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए। यानी कि हम आर टू से जा रहे हैं तो आर टू का फर्स्ट एलिमेंट बेसिस दे लिया। अब बेसिस लो, आंसर क्या आएगा? एक्स 1 एक्स 2 पुट करो यहाँ पे, एक्स 1 1 तो हमारे पास आ जाएगा 3, एक्स 2 0 फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 5, तो मेरे पास 3 2 5 आंसर आएगा। अब ऐसे ही आप सेकेंड को निकालो, टी 0 1 जीरो वन करोगे तो ये जीरो दैट इज -1 4 एंड -6, ये आपके आंसर है। ये आंसर किस में चले गए? R3 में चले गए। तो R3 का बेसिस क्या है? ये है। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस एलिमेंट्स। तो लिख दो इसको, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस में लिखना आसान होता है तो हम सीधा लिख देंगे। फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट के साथ 3 मल्टीप्लाई 1 0 0, नेक्स्ट 2 है तो हमारे पास 2 into 0 1 0, नेक्स्ट आपके पास क्या है 5 है तो 5 into 0 0 1, हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। ऐसे ही नेक्स्ट में चलो, नेक्स्ट में क्या आएगा -1 into 1 0 0, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कोफिशिएंट, सेकंड वाला सेकंड का कोफिशिएंट और थर्ड वाला थर्ड का कोफिशिएंट, ये आपके पास इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। दिस इज अ बेसिक प्रोसीजर कि आपका एक लीनियर एक बेसिस एलिमेंट्स को लेना है, आपका आंसर दूसरे में चला जाएगा, दूसरे बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो। तो देखिए, जो आपके पास टी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी फ्रॉम बी 1 टू बी 2 वो क्या बनेगी? जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू है वो आपके पास बन जाएगा फर्स्ट बेसिस एलिमेंट, जो आपके पास कोफिशिएंट बने हैं, या आप यूं लिख लीजिए फर्स्ट है 1 0 0, इसका इसके कोफिशिएंट क्या बनेंगे 3 और -1, राइट इन टर्म्स ऑफ रो, नेक्स्ट 2 and 4, नेक्स्ट नेक्स्ट का क्या बन गया 5 and -6, तो ये आपके पास एक 3x2 की मैट्रिक्स बनेगी जो हमें सिंपलीफाई करनी है। इज इट क्लियर? तो ये हमने आज पढ़ा है कि अगर कोई भी हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस तो हम उसकी मैट्रिक्स को कैसे सिंपलीफाई करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही आसान टॉपिक था, हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ऑर्डर बेसिस। तो ये आपके पास बनेगी मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। अब हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमारे पास ऑब्वियसली है
कि हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो बदल जाएगी और हमारे पास ऑर्डर्ड बेसिस आ जाएगा। तो देखिए हम ऑर्डर्ड बेसिस में किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आप कुछ ड्रॉप भी करें। देखिए हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट में आपके पास जो हमने टी ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है वो हमने ले ली आर टू से आर टू का। तो देखिए कैसे लेंगे हम उसको, ध्यान से, टी ट्रांसफॉर्मेशन ले ली हमने आर टू से आर टू का, और क्या लिया है, सच दैट टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, टू से टू पे बन गई। With respect to basis, your first basis b1 of R2 is 1, 1 and 1, 0. ये मेरा ordered basis है, अब identity नहीं बना। और second है मेरे पास b2 is 2, 3 and 4, 5. आपकी बार देखो आपके दोनों basis, अगर ये standard होता तो 1, 0, 1, 0 होके आपका answer आ जाता। तो मुझे अब टी निकालनी है, टी मैट्रिक्स निकालनी है फ्रॉम बी वन टू बी टू। कितने ऑर्डर बाय करने की बनेगी, टू बाय टू की, टू से टू पे जाए। क्या करना है, पहले वाले पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ टी वन वन, इट्स गुड, लगाओ आंसर क्या आएगा, वन और माइनस वन आ गया। नेक्स्ट पे लगाओ टी सेकेंड वाले पे वन और जीरो, क्या आंसर आएगा, वन और जीरो ही आ जाएगा। लेकिन अब की बार आपने क्या करना है, जो ये आंसर आएंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन किसके लिखे जाएंगे, सेकंड वाले बेसिस। तो देखिए अब मुझे नहीं पता इसके कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे, तो आपके पास जब नहीं पता होता तो आप अपनी तरफ से लेके चलो ए इंटू टू थ्री कोफिशिएंट ले लो, बी इंटू फोर फाइव, नेक्स्ट वाले का भी नहीं पता तो सी इंटू टू थ्री प्लस डी इंटू फोर फाइव, तो ये आपके पास है। तो देखिए आपको सिंप्लीफाई करना है, करिए क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करिए क्या बन गई क्वेश्चन। अगर पता होता तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते, अब नहीं पता है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 2a plus 4b फर्स्ट एलिमेंट बन गया, कॉमा 3a plus 5b सेकंड एलिमेंट, आपका एलिमेंट आ गया ये, इज इट क्लियर। नेक्स्ट में चलिए 2a प्लस 4b फर्स्ट एलिमेंट और 3a 3, सॉरी अब ab की जगह क्या ले लेंगे, c और d लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 3c प्लस 5b सेकंड। अब इसको आपको बस a b c d की वैल्यू सिंपलीफाई करनी है। देखिए फर्स्ट से करते हैं, 2a प्लस 4b किसके इक्वल है, 1 के। तो नाउ फाइंड द कोएफिशिएंट्स a b c, नाउ वी हैव टू find out the values of a b c d, और यहां सब्स्टिट्यूट कर देनी है बस, करिए 2a plus 4b which is equal to 1, next है 3a plus 5b which is equal to minus 1, और एक सिंपल 10th क्लास कैलकुलेशन से आप सिंप्लीफाई करके a की और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो कैलकुलेशन आपके लिए होमवर्क है, इट इज इजी। तो ए की वैल्यू आ गई माइनस 9 बाय 2 और बी की वैल्यू आ गई आपके पास 5 बाय 2। अब इनको सब्स्टिट्यूट करके देख लो, 9 बाय 2 और 5 बाय 2, 9 इंटू 2 18, 5 इंटू 4 20, तो 20 माइनस 18 2 बाय 2 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट माइनस 27 प्लस 25 तो माइनस 2 बाय 2 माइनस 1 हो गया हमारे पास। ऐसे ही नेक्स्ट पे चलो, दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं, 2c प्लस 4d विच इज इक्वल टू 1 एंड 3c प्लस 5d विच इज इक्वल टू 0। अगेन एक सिंपल कैलकुलेशन टू फाइंड द c एंड d वैल्यूज ऑफ 10th क्लास। सो मैंने निकाल लिया आपके पास, एक वैल्यू आ गया आपके पास c इज माइनस 5 बाय 2 एंड d इज योर 3 बाय 2। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, वैसे तो यहाँ से सिंपलीफाई हो ही जाएगा, c की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, इसको सब्स्टिट्यूट करो सिंपलीफाई करो। चलो c की वैल्यू माइनस 5 बाय 2 रखिए तो माइनस 10 बाय 2, यहाँ से रखिए 12 बाय 2 तो प्लस 2 बाय 2 हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 15 0, तो मेरे पास a b c d आ गई। जस्ट a b c d की वैल्यू पुट कर दो, मेरे जो मैट्रिक्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, जो मेरी t जो मैट्रिक्स बनती b1 से b2 वो क्या बनेगी,
फर्स्ट को तो लिखना है आपको ए सी पहली रो, सेकंड को लिखना है आपको बी और डी सेकंड को, ए बी सी डी की वैल्यू रखी है। तो क्या बनेगी ए बी सी डी की वैल्यू, ए क्या आया है माइनस 9/2, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास माइनस, फर्स्ट को रखना माइनस 5/2, नेक्स्ट रख दीजिए बी 5/2, ठीक है, नेक्स्ट रख दीजिए डी 3/2। तो इस तरह से आप अपनी क्या निकाल सकते हैं, एक मैट्रिक्स की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कौन सा बेसिस है आपके पास, ऑर्डर्ड बेसिस। तो ऑर्डर्ड बेसिस में हमारा बस ये काम एक्स्ट्रा हो जाता है कि हमें ए बी सी डी या जो भी वैल्यूज आएंगी A1, A2, A3 इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर वो सिंपल कैलकुलेशन से निकल जाए तो इट इज इजी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो ये एक प्रोसीजर है ए बी सी डी को फाइंड आउट करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस।